नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। आज आर पार की शुरुआत में मैं दो तस्वीरों के साथ करता हूं। एक तरफ गुजरात की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को आभार व्यक्त कर रहे थे, जनता का अभिवादन कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया कह रहे थे कि मोदी देश को बांट देगा, दलित, वनवासी और अल्पसंख्यक खतरे में है, इसलिए अगर संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। जरा सोचिए, सियासी विरोध में नफरत का दायरा किस कदर, किस हद तक पहुंच गया है। और ये कोई कांग्रेस के अकेले नेता नहीं है। इसी साल जून में कांग्रेस के दिग्गज नेता शेख हुसैन ने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की मौत की कामना की थी और ऐसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया था जिन्हें मैं आपको ना सुना सकता हूं ना दिखा सकता हूं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि यह सब गांधी परिवार के इशारे पे हो रहा है, लेकिन आज एक और बयान की चर्चा होनी बेहद जरूरी है। हिमाचल में कांग्रेस के नए सीएम सुखविंदर सिंह सक्खू कह रहे हैं कि जिस राज्य में 97% हिंदू आबादी है, वहां हमने बीजेपी की हिंदुत्व की विचारधारा को हरा दिया है। सवाल है कि एक तरफ अल्पसंख्यकों को डराने वाले शब्द कहना और दूसरी तरफ हिंदुत्व को हराने की हुंकार भरना, दावा करना, क्या यह 2024 के लिए कांग्रेस का एक नया सियासी गेम प्लान है, फॉर्मूला है? आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 24 की लड़ाई मोदी की मृत्यु कामना पे आई और आज बीजेपी से संबित पात्रा और कांग्रेस के पूर्व मंत्री होंगे आमने सामने। मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। ये कांग्रेस के कोई छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि पूर्व मंत्री राजा पटेरिया है। सोचिए, क्या सियासी नफरत इस हद तक जा सकती है? संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। कांग्रेस के निशाने पर नरेंद्र मोदी बार बार इसलिए रहे क्योंकि नरेंद्र मोदी ही विकास को नए स्तर पर परिभाषित कर रहे हैं राज्य राष्ट्र भर में। प्रश्न ये उठता है कि गांधी खानदान ने क्या मोदी का मर्डर सैंक्शन किया? कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है वो आज हमारे बीच में आ गई। यह गाली केवल आदरणीय मोदी जी को नहीं, यह गाली हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए है। केवल राजनीतिक बयान नहीं है बल्कि हत्या की साजिश है। इसके कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने हत्या की साजिश की है। इसके बाद पटेरिया सफाई देने आए। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के देश का संविधान बचाओ, लेकिन गलत तरीके से पेश किया गया। कांग्रेस की तरफ से पहले भी खून की दलाली, मौत का सौदागर, रावण, गंदी नाली का कीड़ा जैसे शब्द कहे जा चुके हैं, लेकिन सियासत का एक बड़ा पहलू देखिए। राजा पटेरिया ने कहा कि दलितों, वनवासियों और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है, तो दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि जिस राज्य में 97% हिंदू है वहां हमने बीजेपी के हिंदुत्व की विचारधारा को हरा दिया। भारतीय जनता पार्टी को जिस राज्य में 97% हिंदू रहते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की विचारधारा को हराया। सवाल कि क्या 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस कोई नया सियासी गणित तैयार कर रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 24 की लड़ाई मोदी की मृत्यु कामना पर आई। एक तरफ बीजेपी को हराना मतलब हिंदुत्व को हराना हो गया है, ऐसा आपने देखा हिमाचल के नए नवेले सीएम क्या कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजा पटेरिया क्या कह रहे हैं और कांग्रेस के सियासी जोड़ तोड़ का विश्लेषण देखिए आप। दलितों, वनवासियों और अल्पसंख्यकों को का भावी जीवन खतरे में है।
आगे क्या कहते हैं, संविधान को अगर बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, और फिर सफाई देते हैं कि मैंने पॉलिटिकल हत्या करने की बात कही थी। दूसरी तरफ सुपेंद्र सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश की 97% आबादी हिंदू है, हमने बीजेपी के हिंदुत्व की विचारधारा को हरा दिया है। क्या बीजेपी को हराना हिंदुत्व को हराना है, ये कह रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। संदेश क्या है, एक तरफ अल्पसंख्यकों में डर पैदा करने की कोशिश है, और दूसरी तरफ है वो ये है हिंदुत्व को हराने का दावा किया गया है। बड़ा सवाल ये है, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए नया सियासी फॉर्मूला 2024 के लिए यही है क्या? क्या कांग्रेस 2024 के लिए नया सियासी फॉर्मूला तलाश रही है जिसमें हिंदुत्व को हराया जाएगा, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी की मृत्यु की कामना की जाएगी? मेरे साथ आज संबित पात्रा जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुकेश नायक है मेरे साथ, पूर्व मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनका भी नंदन है। मेरे साथ शादाब चौहान है, उनका भी नंदन है। विश्वास सारंग भी मेरे साथ जुड़ेंगे, मध्य प्रदेश सरकार में मौजूदा मंत्री। लेकिन मैं संबित पात्रा आपसे शुरुआत करता हूं, आज मैं आपकी बाइट को देख रहा था, मैंने स्मृति ईरानी का रिएक्शन भी देखा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से घृणा करती है और उस घृणा में अब वो मृत्यु कामना कर रही है। कांग्रेस कह रही है बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, अननेसेसरी भारतीय जनता पार्टी तमाशा खड़ा कर रही है। अमीश भाई, इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वर्तमान के प्रधानमंत्री और इससे पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनसे कांग्रेस पार्टी घृणा करती थी, करती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब घृणा के दो नतीजे होते हैं, एक तो गाली दे दिया जा सकता है, एक उनके विरोध में षड्यंत्र किया जा सकता है। देखिए, उनको रावण कहना, उनको गंदी नाली का कीड़ा कहना, उनको कॉकरोच कहना, उनको मौत का सौदागर कहना, उनको नीच कहना, ये सारी गालियाँ हैं। और मुझे लगता है सैकड़ों गालियाँ अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, जिसमें सोनिया गांधी जी से राहुल गांधी इत्यादि सभी शामिल है, सब ने दिया है, मगर ये गालियों की श्रेणी है और उसका नतीजा जनता जनार्दन ने दिया है चुनावों में। मगर गालियों से इतर एक षड्यंत्र होता है, और जब एक बहुत बड़ा नेता, मध्य प्रदेश का कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, राजा पटेरिया गांधी परिवार के अति निकटतम, सोनिया गांधी जी के निकटतम नेताओं में से एक, मध्य प्रदेश के अग्रिम मैं कहूँगा लाइन के नेता, आगे के लाइन के नेता, जब वो खुद कहते हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या करनी होगी, तो ये गाली की श्रेणी में नहीं आता है, ये एक षड्यंत्र की श्रेणी में आता है। जो अब आप उस पर कुछ भी करते रहिए, इफ बट हम लोकतांत्रिक हत्या की बात कर रहे हैं, मगर हत्या की बात करना लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक रूप से जिस व्यक्ति का निर्वाचन लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में बहुताए वोट से किया हो, पूर्ण बहुमत के साथ किया हो, और मैं कहता हूं प्रधानमंत्री ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के लिए हत्या शब्द का प्रयोग करना ये षड्यंत्रकारी है। और मुझे लगता है ये आज कोई छोटा विषय नहीं है, इसका परिणाम राजनीतिक रूप से तो जो भी होना है, राजनीतिक रूप से हम विषय उठा ही रहे हैं, मगर कानून के कटघरे में भी इसका परिणाम उचित नहीं होना चाहिए। जी, मैं सीधा रुख करता हूं मुकेश नायक का, पूर्व मंत्री है। मुकेश नायक, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हम देखते हैं, वो होती है, लेकिन अब तो ये पूरा मामला मृत्यु कामना तक आ गया है, और ये जनाब कोई पहले आपके कांग्रेस के नेता नहीं है जो इस तरह की बात कह रहे हैं। सुबोध कांसा है, 20 जून 2022, हिटलर की मौत मरेगा। शेख हुसैन, इन्होंने जो बात बोली नरेंद्र मोदी की मौत को लेकर, उसको मैं सार्वजनिक रूप से कह भी नहीं सकता, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता है। नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ है, मैं मोदी को मार सकता हूं, उन्हें गाली भी दे सकता हूं। आपकी पार्टी में सर्टिफिकेट तब मिलता है जो मोदी को गाली देता है और मोदी को मारने की बात करता है, ये बीजेपी का आरोप है। मुकेश नायक जी, नहीं, इस तरह से पार्टी में कोई सर्टिफिकेट नहीं बटता है। राजा पटेरिया का बयान बिल्कुल व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है, और इस संबंध में माननीय कमलनाथ जी ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। राजनीति में स्पर्धा होती है, पक्ष और विपक्ष, प्रतिपक्ष होता है, लेकिन राजनीति में हत्या और हिंसा की बात करना ये कांग्रेस पार्टी को स्वीकार्य नहीं है। ये अहिंसा से उत्पन्न हुई है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, ये महात्मा गांधी की पार्टी है, और हमेशा
कांग्रेस पार्टी अच्छा। सबको साथ में लेकर चलने की समतामूलक और समावेशी समाज के निर्माण की बात करती आई है। ये काफी अच्छी आपने बात की, मैं इसकी सराहना करता हूं, लेकिन एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए मुकेश जी, जो राहुल गांधी ने बोला था नरेंद्र मोदी को डंडे मारेंगे, वो भी गलत था 2019 में चुनाव जीतने के बाद? आप किसी सेंटेंस में से, किसी समूचे परिवेश में से एक अभिप्राय संपदा होती है किसी बात को कहने की, के कहने वाला किन अर्थों में वो तंज कस रहा है, किन अर्थों में वो बात कह रहा है, किन अर्थों में वो व्यंग कर रहा है, किन अर्थों में वो उलटवासी कर रहा है, मार के कौन सा व्यंग अभिप्राय को समझना चाहिए, उस तंज को समझना चाहिए। अच्छा एक 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 सेकंड, महाराष्ट्र कांग्रेस के जो मुखिया हैं नाना पटोले, संदर्भ को नहीं नहीं मैं ठीक है संदर्भ मैं एक एक करके बयान बताता हूं आपको, आप संदर्भ के काफी ज्ञाता लग रहे हैं, तो इसका संदर्भ बताइए क्या है, मैं मोदी को मार सकता हूं, उसे गाली भी दे सकता हूं, इसका संदर्भ क्या है, कृपया बताए 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर, 40 सेकंड के अंदर। नहीं इस बयान को भी AICC ने, इस बयान का भी AICC ने खंडन किया था। अच्छा। और उन्हें कहा था कि वो संयत भाषा का प्रयोग करें, राजनीति में इस तरह की भाषा का कोई स्थान नहीं है। नहीं कार्रवाई क्या करी, मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं कि AICC ने खंडन काफी समय पहले कर दिया था, तो कार्रवाई क्या करी, जानकारी देंगे आप व्यूअर्स को कि इन पे क्या कार्रवाई हुई है, अब इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है, इन नेता के साथ गांधी परिवार मिलता नहीं है, या इनको इनसे कांग्रेस चीफ की आपका पद छीन लिया गया है महाराष्ट्र के अंदर इस तरह की गलत बयानी के बाद, कुछ हुआ हो? देखिए अमितेश भाई, एक लंबी परंपरा है सभी राजनीतिक दलों में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पर अपनी ही पार्टी को असहज करते रहते हैं। आप देखिए नूपुर शर्मा का कैसा बयान था, आप देखिए दिल्ली के दंगों के बाद कपिल मिश्रा ने कैसा बयान दिया, आप देखिए प्रवेश जी ने, जो वहाँ के लोकल सांसद हैं, उन्होंने कह दिया कि इस एक कम्युनिटी का ही बहिष्कार कर दो। ये इन लोगों के व्यक्तिगत बयान हैं, आमतौर पर पार्टी का इन बयानों से कोई रिलेशन, कोई संबंध नहीं होता है। राहुल गांधी का संदर्भ समझना पड़ेगा, पार्टी की विचारधारा है मैंने पहले कहा जी, राहुल गांधी का संदर्भ समझना पड़ेगा, उनका संदर्भ आपने समझ लिया है और बाकी सब जो है वो व्यक्तिगत बयान दे रहे हैं। संबित पात्रा, सुखविंदर सिंह सुक्कू ने तो ये कह दिया कि देखिए हमने बीजेपी के हिंदुत्व को हरा दिया है, बीजेपी इज इक्वल टू हिंदुत्व क्या? देखिए अमित जी, आपको समझना पड़ेगा, ये जो मुकेश जी हमारे, मुकेश नायक जी आए हुए हैं, मेरा प्रणाम भी स्वीकार करें, ये एक अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, ये कभी भी जो भाषा है उसके लक्ष्मण रेखा को फानते नहीं। आज वो बाध्य हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको पार्टी का बचाव करना है, तो मैं उन पे आक्रमण व्यक्तिगत नहीं करूंगा, मगर आज कांग्रेस की परिस्थिति को, कांग्रेस की मानसिकता को समझना होगा। और मैंने जब अपने डिबेट को आरंभ किया था, मैंने कहा था आज ही नहीं, जब मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब से जिस प्रकार का प्रहार, जिस प्रकार के षड्यंत्र को रच के 2002 के दंगों में मोदी जी को फंसाने की कोशिश, भरसर कोशिश कर ली, मगर आज अंततो गत्वा सुप्रीम कोर्ट में न केवल उन्हें क्लीन चिट मिला, अपितु सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एक डिजाइन था जिसमें कई लोग इन्वॉल्व थे, उनमें से कई लोग आज जेल के अंदर मौजूद हैं, ये डिजाइन है, ये उसमें, इस डिजाइन के बीच में कभी गाली होता है रावण, कभी उसमें औकात दिखाने की बात होती है, कभी उसमें बात होती है डंडे से मारने की। राहुल गांधी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि 6 महीने के अंदर आप देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग डंडे से उनके पीठ पर प्रहार करेंगे और मोदी जी गिर जाएंगे। तो मोदी जी ने बड़े ही विवेक के साथ, मुस्कुराहट के साथ, विनम्रता के साथ जवाब पार्लियामेंट में दिया था, और पार्लियामेंट में जवाब देते हुए कहा था मोदी जी ने कि कोई बात नहीं, राहुल जी चाहते हैं कि मुझ पे डंडा पड़े तो मैं अपने सूर्य नमस्कार की संख्याओं को बढ़ा दूंगा ताकि मेरा कमर और मेरी पीठ सख्त हो जाए और डंडों का असर उन पे कम पड़े। तो ये होती है विनम्रता, ये होता है उसको सहज भाव से लेकर उसका उत्तर देना। मगर मुकेश जी, आप एक विवेकी व्यक्ति हैं, जब ये नरेटिव फ्लोट किया जाता है कि अल्पसंख्यक खतरे में है इसलिए अब मोदी की हत्या होनी चाहिए, ठीक है हो सकता है उसकी हत्या कोई कांग्रेस का व्यक्ति करने नहीं जाएंगे मोदी जी की, मगर ये कोई सरफिरा होगा देश में जो भड़क जाएगा ऐसी भाषण सुन के, किसी ना किसी को ये संदेश लग जाएगा कि अरे देश के कुछ बड़े नेता कांग्रेस के हैं जो हत्या करना चाहते हैं, मैं चलो उसमें शामिल हो जाता हूं, मैं ये काम करके देखता हूं, है कि नहीं। 135 करोड़ के देश में कुछ ऐसे लोग अवश्य होंगे जो इन विषयों को गंभीरता से लेते होंगे और वो कुछ भी करने की क्षमता रखते होंगे,
और जब ये भ्रामक स्थिति कि अल्पसंख्यकों की जीवन खतरे में है, आदिवासियों का जीवन खतरे में है, अमीश भाई मैं एक विषय कहना चाहता हूँ, आदिवासियों को लेकर जब पहली बार द्रौपदी मुर्मू जी देश की पहली राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति बनी हमारे हिंदुस्तान की, इससे पहले कोई आदिवासी महिला या पुरुष इस देश का राष्ट्राध्यक्ष नहीं था, पहला सिटीजन नहीं था, मगर कांग्रेस पार्टी ने उस पर भी तंज कसा था, उन्होंने उनसे उन्हें राष्ट्रपत्नी कह दिया था कि ये तो राष्ट्रपत्नी है, और कोई ऐसा वैसा लीडर नहीं था। खुद LOP लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा, जिनको अभी तक हटाया नहीं गया है, कि वो राष्ट्रपत्नी है, और इनके एक बड़े नेता ने कहा ये तो देश का दुर्भाग्य है कि द्रौपदी मुर्मू जैसी एक आदिवासी आज हिंदुस्तान की राष्ट्रपति है। जवाब जवाब ले लेते, वो तो किसी और देश को ऐसा दुर्भाग्य न मिले, उदित राज जी ने कहा था। जी जी, तो आप बताइए नायक, इसका पॉइंटेड जवाब अल्पसंख्यकों को उत्तेजित करने की क्या बात थी, उसके अंदर ये कहना कि मतलब नरेंद्र मोदी को के लिए इस तरह के शब्द कहने की आवश्यकता क्या थी? क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं उकसावे का काम कर रही थी कांग्रेस पार्टी के नेता? मुकेश नायक, देखिए मैं डिबेट को अमीश भाई मैं डिबेट को उस दिशा में नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि ये हर ऐसा ही होता है कि हमारी डिबेट भटक जाती है और कहीं से कहीं हम पहुंच नहीं भटक जाते रही, यही विषय है। राहुल गांधी जी ने, राजा पटेरिया ने जो बोला वही विषय है, अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है, संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। क्या खतरे में अल्पसंख्यक बताइए? मैंने पहले कह दिया वो उनका व्यक्तिगत, मैंने पहले कह दिया कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उसके बाद जो भी पूछना है आप उनसे पूछे कि कहां खतरे में है। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के जिस बयान की चर्चा माननीय संबित पात्रा जी कर रहे हैं, अल्पसंख्यक खतरे में दिखते हैं देश के अंदर? एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको अल्पसंख्यक देश में खतरे में दिखते हैं या फिर नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है? क्योंकि अभी आपके जो सीएम नए बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो कह रहे हैं हमने हिंदुत्व की विचारधारा को हरा दिया। देखिए जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि जो इस देश में कोई कहे कि हम मुस्लिम राष्ट्रवाद लाना चाहते हैं, कोई कहे सिख राष्ट्रवाद लाना चाहते हैं, कोई कहे हम हिंदू राष्ट्रवाद लाना चाहते हैं, कोई कहे हम ईसाई राष्ट्रवाद लाना चाहते हैं, उनका इशारा उस तरफ था कि पूरी की पूरी देश की राजनीति का जो नैरेटिव है, जिस दिशा में ले जाने का प्रयत्न था वो हिमाचल प्रदेश में चला नहीं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का बहुसंख्यक हिंदू जो है वो समतामूलक और समावेशी समाज का निर्माण करना चाहता है। और गुजरात का हिंदू क्या है? गुजरात का समाज क्या है? वो समतामूलक नहीं है? गुजरात में बीजेपी जीती, इसके लिए उनको बधाई। लोकतंत्र में जनता जिसको सपोर्ट करे उस निर्णय को सही माना जाता मैं, है। मैं जवाब लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं। नहीं करना चाहता। ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश संबित पात्रा जो हो रही है कि हिंदुत्व की हार हो गई है हिमाचल में और अल्पसंख्यक खतरे में है, इसलिए मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। जवाब संबित पात्रा, ये नैरेटिव बिल्डिंग क्या है? 2024 आज से नहीं बनाया जा रहा है। नहीं, आप सोचिए, केवल शब्दों का हेरा फेरी करिए और व्यक्ति बदल दीजिए। जो आज यहाँ राजा पटेरिया ने कहा है, उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों का जीवन जो है वो खतरे में है, वो आज से अनेकों वर्ष पहले सोनिया गांधी ने कहा था मोदी मौत का सौदागर है। और किस प्रकार से इस विषय को पूरी कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता थे उन्होंने देश के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश की कि मोदी मौत का सौदागर है, मगर उसका नतीजा गुजरात में और उसका नतीजा पूरे हिंदुस्तान की राजनीति पर क्या रहा वो आपने देखा, क्योंकि ये जनता जनार्दन है, ये अल्पसंख्यक, ये बहुसंख्यक, ये जैन, ये क्रिश्चियन, ये सिख नहीं है। 80 करोड़ जनता को जब राशन मिलता है तो वो लोग मोदी जी क्या हैं क्या नहीं है अच्छे से जानते हैं। जब 135 करोड़ लोगों को 3 डोज मिलता है वैक्सीन का, जिस वैक्सीन को इसी कांग्रेस पार्टी ने मोदी वैक्सीन कहा था, बीजेपी का वैक्सीन कहा था, इसी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा था कि ये जो वैक्सीन है इसमें गाय का खून मिला हुआ है, इसे नहीं लेना चाहिए, उसके बावजूद मोदी जी ने देश के 135 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया। और तो और कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक मीडिया इंचार्ज ने मोदी जी का नाम कोविड के समय मोविड रखा और कहा कि ये तो लोगों को मारने के लिए जिम्मेदार है, ये तो मोविड है। आप सोचिए मोदी जी के प्रति घृणा का स्तर क्या था,
उसके बावजूद निरंतर मोदी जी ने हर फील्ड में काम किया है। जहां तक हिंदुत्व को हराने की बात है, देखो ये तो गांधी परिवार और खास करके सोनिया जी और राहुल जी का टारगेट है, ये कोई सुक्कू जी का विषय नहीं है, ये कोई सुक्कू जी ने नहीं कहा है, ये राहुल जी और सोनिया जी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि जिस राहुल जी ने कहा था हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है, जिस पार्टी में सोनिया जी के कहने पर कहा गया कि संसाधनों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का मुसलमानों का है, तो स्वाभाविक है वहाँ हिंदुत्व को हराने की बात कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पार्टी ने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया हो, जिस पार्टी ने कहा हो राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, उनके लिए हिंदुत्व को हराने की बात, हिंदुओं को हराने की बात और हिंदुओं को आतंकवाद के साथ कंपेयर करने में राहुल गांधी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है, विदेशों में भी नहीं छोड़ा है, देश में भी नहीं छोड़ा है। जी जी जी, शादाब चौहान इसका जवाब देना चाह रहे हैं। मुकेश नायक आप रुकिए, शादाब चौहान आपको लगता है अल्पसंख्यक खतरे में है इस देश के अंदर और संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहना चाहिए? अमेश भाई, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहूंगा कि लोकतंत्र में विरोध कीजिए, डटकर कीजिए, नरेंद्र मोदी का कीजिए, राहुल गांधी का कीजिए, चाहे अमित देवगन का कीजिए, लेकिन हत्या जैसे शब्द का प्रयोग करना लोकतंत्र में बिल्कुल स्वीकार नहीं है, हम उसको कंडम करते हैं। उन्होंने कहा राजनीति करना चाहिए, अरे भैया आप कहिए कि हम नरेंद्र मोदी को हराएंगे, शिकस्त देंगे, इन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, आप अपनी बात करिए। उनकी भाषा जो है उस पर उसको कोई एंडोर्स नहीं कर सकता और कांग्रेस पार्टी को उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। सेकंड पॉइंट, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, जो बात सुक्खू जी ने कही है, जब वो सुक्खू जी लोग राहुल गांधी बोलते हैं तो शादाब चौहान को प्रसन्नता होती है कि जिस हिंदुत्व को हराने का लक्ष्य से हमने संघर्ष की शुरुआत 4-5 साल पहले की थी, जब ये शब्द बड़ा कहा जाता था हिंदुत्व बोल दिया, आज लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदुत्व को हराना है। तो राहुल गांधी आपकी बात को स्वीकार कर देता हूं सुक्खू जी को, उन्होंने मैं बधाई देता हूं राहुल जी को कि वो शादाब चौहान के मिशन जो हिंदुत्व को हराने का लक्ष्य है उसमें भागीदार बन रहे हैं, लेकिन गुजरात की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सी जगहों पर मुसलमानों की नफरत में वोट दिया गया, बहुत जगह, लेकिन मतलब राहुल गांधी आपको फॉलो कर रहे हैं, बलात्कारी को संस्कारी बताने वाले राहुल गांधी आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको नहीं, ये आपके मिशन में, शादाब चौहान के मिशन में लगे हुए हैं, पूरी तरह फॉलो, अगर शादाब चौहान के मिशन में अभी आधे लगे पूरे लगेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, अभी पूरे नहीं लगे हैं, गलतियों को सुधार ले, संविधान खड़ा कर रहे हैं, गुजरात नहीं हारेंगे, फिर गुजरात नहीं हारेंगे, आपका मिशन निजामे मुस्तफा लाना आपका पूरा मिशन है, उसको अभी आधा फॉलो कर रहे हैं, पूरा फॉलो करेंगे तो गुजरात नहीं हारेंगे, देश नहीं हारेंगे, तो 2024 के अंदर यही आपका मिशन होगा। संबित पात्रा जवाब देखिए, आज के डिबेट में शादाब चौहान जी का कोई प्रसंग नहीं है, मगर फिर भी वो डिबेट में है, मैं कोई जवाब ज़्यादा नहीं दूंगा, मगर एक विषय मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने कहा कि हिंदुत्व को हराना ये शादाब चौहान और हमारी पार्टी का तो लक्ष्य है ही, मगर हमारी पार्टी से प्रेरणा लेकर, हमसे प्रेरणा लेकर राहुल गांधी भी आज हिंदू और हिंदुत्व को हराना चाहते हैं, ये बहुत बधाई का विषय है। देखिए, यही वो शादाब चौहान है, अनेकों डिबेट मैंने इनके साथ किया है और हर डिबेट में वो कहते हैं निज़ामे मुस्तफ़ा हिंदुस्तान पे कायम होगा इंशाअल्लाह, कहा है, आज भी इनसे पूछ लीजिए आप, ये अभी भी कहेंगे निज़ामे मुस्तफ़ा अर्थात इस्लाम का शासन हिंदुस्तान पर होना चाहिए, कई बार इंशाअल्लाह ही कहेंगे, मेरे उत्तर के बाद आप पूछ लीजिएगा, कई बार कहा है, अभी भी डिबेट के बाद आप जनता के लिए, आप दर्शकों के सहूलियत के लिए उनसे पूछिएगा, तो यही विषय, तो आप सोचिए राहुल गांधी और शादाब चौहान ये जहाँ तक निज़ामे मुस्तफ़ा है उसको लेकर कंफर्टेबल है, मगर हिंदुत्व का हारना जरूरी है ये विषय जब शादाब चौहान और राहुल गांधी कहते हैं, तो आप सोचिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें लोकतंत्र का साथ देना चाहिए, और जो इस प्रकार से एक धर्म के विरोध में कहते हैं उनको पूरी तरह से हमें आईना दिखाने का काम करना चाहिए, मगर एक बार पूछ लीजिए शादाब जी से। ब्रेक के बाद आके पूछ लेता हूँ, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, एक अंतराल के बाद वापस आ रहा हूँ, बड़ी खबर भी आ रही है इस विषय के ऊपर, कांग्रेस के किस नेता ने इस बात का सपोर्ट करा है, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, अब देखते रहिए आर पार। भीड़ में घायल हुए बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के गोपालगंज में भाग रहे शराब तस्करों की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, उत्पाद विभाग की टीम ने गाड़ी को जब्त किया। बिहार के बेगूसराय में छापेमारी करने गई पुलिस की टीम के साथ लोगों की हुई नोकझोंक, शराब की सूचना मिलने पर पहुंची थी पुलिस की टीम।
उत्तर प्रदेश के नोएडा में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के लोनी इलाके में खाली मैदान में खड़ी झाड़ियों में लगी आग, आग से निकलने वाले काले धुएं ने पूरे इलाके को ढका। बिहार के छपरा में लड़की से शादी नहीं होने पर एक लड़का कुएं में कूद गया, ग्रामीणों ने कुएं से निकालकर उसकी शादी कराई। पंजाब के मुक्तसर में चोरी के आरोपी को लोगों ने अजीबोगरीब सजा दी, चोर को ट्रक के आगे बांधकर बाजार में जुलूस निकाला, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब के संगरूर में महिला से लूट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। पुलिस ने 9000 रुपए और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ लोग चलती गाड़ी पर स्टंट करते दिखाई दिए, स्टंट करता वीडियो वायरल हुआ है, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट में जालसाजी का मामला दर्ज कराया गया। झड़प की खबर है, कई सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। मेरे साथ हमारे संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं जो लगातार रक्षा मंत्रालय को ट्रैक करते रहते हैं और डिफेंस को ट्रैक करते रहते हैं। संदीप बोल, मैं उनका रुख कर सकता हूं, लेकिन 9 दिसंबर की यह बड़ी घटना है। संदीप बोल हमारे साथ है। संदीप बोल, कहां हुई है यह घटना, कितनी बड़ी घटना है, क्या भारत के सैनिक भी घायल हुए हैं? अमित, देखिए ये बहुत बड़ी घटना है क्योंकि गलवान के बाद इस तरीके की हिंसाई घटना पहली है ये, और 9 दिसंबर को दोनों देशों की सेना यानी चीनी PLA वो जो तवांग है, तवांग के पास एक यांगसे जगह है जहां पे पेट्रोलिंग के दौरान आमने सामने हुई, और उस वक्त भारत ने LAC क्रॉस करने की कोशिश में जो चाइनीज से, क्योंकि वहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, परसेप्शन है, जो हमारी क्लेम लाइन है उधर आने की कोशिश उनकी थी, जिनको रोका गया, और जिसकी वजह से वहां पे एक फेस ऑफ की सिचुएशन बनी, और सिचुएशन इस हालत तक हुई कि वहां पे झड़प हुई, और झड़प में दोनों देशों की सेनाओं को चोटें लगी है। हालांकि अभी तक ये बारे में जानकारी नहीं है कि क्या ये चोट किस तरीके की गंभीर चोट है या नहीं है, लेकिन तुरंत जो है उस जगह पर जो कि एक प्रोटोकॉल के तहत दोनों देशों के कमांडर्स ने बातचीत की, और फिलहाल उस जगह से दोनों देशों की सेना डिसएंगेज हो चुकी है, और उसके बाद कमांडर जो उस इलाके के कमांडर है उन्होंने बकायदा फ्लैग मीटिंग तक की है। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है क्योंकि गलवान के बाद इस तरीके की घटना होना, और वो भी ईस्टर्न सेक्टर में जहां पे चीन लगातार अपनी मजबूती दर्ज कराने के लिए इस तरीके की चीजें कर रहा है। तो फिलहाल जो जानकारी है कि तो मैं जितना खबर को इस समय समझ पा रहा हूं, क्योंकि ये ब्रेकिंग स्टोरी है अपने दर्शकों के लिए, कि चाइना की जो आर्मी है PLA वो अपनी टेरिटरी के अलावा जो कहीं ना कहीं एक रिफ्रेन लाइन होती है उसके आसपास आने का प्रयास कर रही थी, जिसको भारतीय सैनिकों ने रोका, और सिर्फ रोका नहीं, उनको हटा भी दिया वहां से। बिल्कुल, देखिए जो क्लेम लाइन है, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ पे किसी तरीके का बाउंड्री या बॉर्डर तो है नहीं, तो ऐसे में क्लेम लाइन है, दोनों देशों की अपनी क्लेम लाइन है, और जिस वक्त ये क्लेम लाइन के इधर आने की कोशिश कर रहे होंगे उस वक्त इस तरीके की घटना हुई है, उस वक्त जब भारतीय सेना के साथ उनका फेस ऑफ हुआ, और ये फेस ऑफ इस कदर बढ़ गया कि वो हाथापाई तक जो है नौबत पहुंची, और जिसमें दोनों देशों के सेनाएं सैनिक जो है वो घायल हुए हैं। हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई है सूत्रों के मुताबिक कि कितने सैनिक घायल हुए, लेकिन नंबर ज्यादा है, घायल की संख्या ज्यादा है, लेकिन अभी फिलहाल वहां पे शांति जो है वो कायम कर दी गई है, वहां पे डिसएंगेजमेंट उस जगह से दोनों देशों की सेनाएं। लेकिन ये पूरे ये गलवान के बाद जो शांति का एक प्रोसेस हो रहा था उसको भी बड़ा झटका है ये। बिल्कुल, देखिए ये तो बहुत बड़ा झटका है क्योंकि 16 राउंड की वार्ता के बाद पूर्वी लद्दाख का पूरा हिस्सा जो है इलाका वो शांत हुआ था। गलवान में जिस तरीके से हिंसा हुई और 45 साल बाद इस तरीके से वहां पे जो सैनिक है वो उनकी वो मारे गए, दोनों तरफ के सैनिक जो है वो घायल भी हुए, मारे भी गए, और उसके बाद अब जब सारा पीस प्रोसेस खत्म हो चुका है, दोनों देशों की सेनाएं लद्दाख में अपने अपने पीछे जा चुकी है, डिसएंगेजमेंट हो चुका है, और ऐसे में इस तरीके से ये खबर, ये चीज आना, ये जाहिर सी बात है कि चिंता वाली बात जरूर है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि लगातार गिरे हुए हैं, लगातार शी जिनपिंग जो है वो अपने देश में गिरे हुए हैं, चाहे वो कोविड का मिसमैनेजमेंट हो, चाहे उनके खिलाफ प्रदर्शन हो, चाहे इकोनॉमिक डिसबैलेंस हो पूरे चाइना के अंदर, तो क्या उससे ये ध्यान भटकाने का एक बड़ा प्रयास हो सकता है, क्योंकि PLA जो चाइना की आर्मी है वो LAC जो लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, उसमें एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जिसमें किसी की फौज नहीं जा सकती, ना भारत की ना चाइना की,
वहां पर आने का प्रयास हुआ है जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं, लेकिन भारत की सेना ने उसको रोका है। और सिर्फ रोका नहीं है, दोनों सेनाएं उसके बाद पीछे हट गई हैं। यानी चाइना भारत के एरिया में आने की प्रयास कर रहा था, नहीं कर रहा था, इसकी जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं है, लेकिन यह अपने आप में बड़ा घटनाक्रम है। और भारत ने पुरजोर जवाब दिया है, जिसकी वजह से यह डिसएंगेजमेंट करना पड़ा है। क्या माना जाए तो शी जिनपिंग लगातार चाइना में घिरे हुए हैं, इकोनॉमिक डिसबैलेंस है वहां पर, एक कोविड का भयंकर मिसमैनेजमेंट है, जहां पर लोग लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। और पहली बार है चाइना के इतिहास में कि लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ, क्या उससे ध्यान हटाने की भी कोशिश है ये? संदीप बोल। जी बिल्कुल अमीश, देखिए जब भी चाइना और खासतौर से शी जिनपिंग गिरते नजर आते हैं, इंटरनली गिरते नजर आते हैं, तो उनको एक चीज से ये होती है कि कैसे अपने लोगों का डाइवर्ट किया जाए ब्रेन, क्योंकि हमेशा से ही कोई देश अगर ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि हम लोग अब वॉर में या वॉर की सिचुएशन में दूसरे देशों के सामने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो कमियां हैं, जो उनकी जो प्रशासनिक कमियां हैं, वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो जाती है। संदीप, संदीप आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह, मैं उनका रुख कर सकता हूं। शैलेंद्र जी, इसके क्या मायने हैं जो इस समय आप खबर देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर? ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है भारत के लिहाज से, शैलेंद्र जी। जी देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैं खुद वहां बुमला में रह चुका हूं, तो वहां के आगे जो हमारा लास्ट है और बुमला पोस्ट के आगे हमारी और चाइनीज की मीटिंग हुआ करती थी, वो जन बहुत पीसफुल रखा हुआ था चाइना ने, लेकिन हमें हमेशा दिखता था ये बात कि चाइना एक कोई एक्सक्यूज ढूंढेगा, अदरवाइज वहां पर डिस्प्यूट क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं बनता। जिस तरीके से उनके और हमारे बीच में एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है कि वो हमारे एरिया में नहीं आते, हम उनके एरिया में नहीं जाते, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई छोटी मोटी इंकर्जन हो भी जाती है तो दोनों ही कंट्रीज अब से पहले बड़े पीसफुली उसको सॉल्व कर लेती थी। आज की तारीख में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात, चाइना एक ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है अपने खुद की कंट्री के लोगों के लिए, साथ ही साथ वो इंडिया को भी एक ये मैसेज देना चाहता है हमेशा कि मैं जहां चाहूं वहां पर बॉर्डर को एक्टिवेट कर सकता हूं इस तरह के डिस्प्यूट्स क्रिएट करके। So, by and large, it is a tactics of China, और ये बात लेकिन हम लेकिन, लेकिन इस समय जो खबर आ रही है वो ये खबर आ रही है बड़ी कि डिसएंगेजमेंट इस समय हो गया है, और डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ, फ्लैग मीटिंग भी हो चुकी है दोनों आर्मीज के बीच में। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चाइना जो आपने बोला ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्या चाइना पोस्ट गलवान कॉन्शियस भी हुआ है? क्योंकि गलवान में वो हटने में उसने समय लगाया था, लेकिन इस बार डिसएंगेजमेंट जल्दी हुआ है। जब हम बात करते हैं डिसएंगेजमेंट की और फ्लैग मीटिंग की, तो मैं वैसे आपको प्रोसीजर बता दूं, पहले फ्लैग मीटिंग अलाउड होती है दोनों कंपनी कमांडर लेवल पर, बटालियन कमांडर लेवल पर, और जब बात हद से बढ़ जाती है तब वो कहीं जाकर ब्रिगेड कमांडर और डिव कमांडर के द्वारा आपस में ये फ्लैग मीटिंग करी जाती है। अदरवाइज फ्लैग मीटिंग का बेसिक मकसद होता है कि अगर कोई हमारे बीच में छोटी मोटी इंकर्शन हुई है, जिसको चैलेंज किया है कि दूसरे ने, तो उसको सॉल्व कर ले, ना कि उसको एस्केलेट करें, जब आप फ्लैग मीटिंग्स की बात कर रहे हैं। बट आजकल हम देख रहे हैं कि चाइना इन फ्लैग मीटिंग्स को भी वॉयलेट कर रहा है, वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है, और पहली बार हो रहा है कि उसे दिख रहा है कि इंडिया आज की तारीख में पीछे नहीं हटेगा, चाहे आपको पसंद है तो भी ठीक है, नहीं पसंद है तो आपकी बदकिस्मती है। जी, मेरे साथ कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं अपनी राय रखने के लिए, मुकेश नायक, आप कैसे देखते हैं इसको, अ क्विक पॉइंट? देखिए, आपने पहले कहा कि चाइना बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, वहां कोविड का 13-14 हजार मरीज प्रतिदिन वहाँ पर निकल रहे हैं, उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, इकोनॉमिक रिसेशन में फंसा हुआ है चाइना, वहाँ का आयात और निर्यात बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, उस देश में आंदोलन हो रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ से ध्यान हटाने के लिए ये छोटी मोटी एक्टिविटी चीन करे, लेकिन इस वक्त भारत की तरफ से
हर एक्टिविटीज का बहुत मुकम्मल जवाब दिया जाएगा जी जी। और पहले भी दिया जाता रहा है। संबित पात्रा मेरे साथ है, हालांकि रूलिंग पार्टी के हैं। संबित पात्रा, देखिए अमीश जी, आपने अभी डिबेट के बीच में ये ब्रेकिंग न्यूज दिखाया है और आपने बिल्कुल सही कहा, हम रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं तो बहुत सोच समझ करके पूरे विषय को जांचने के बाद ही इस विषय पे मैं कोई टिप्पणी कर पाऊंगा। बहरहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें हमारे आर्मी के ऊपर पूर्णतः विश्वास है, जो भी कदम हमारी आर्मी उठाएगी वो उचित होगा और हम सब अपने आर्मी पर विश्वास रखें। इससे अधिक जब पूरी जानकारी आएगी, आप लोग दिखाएंगे, पार्टी से बात करने के बाद ही इस विषय पे हम बात कर सकते हैं जी। मैं अब आपको मैप के जरिए दिखा सकता हूं, तस्वीर के अंदर मैप के जरिए मैं आपको दिखा सकता हूं कि किस इलाके में यह हुआ है पूरा घटनाक्रम। यह अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, यह तवांग है जो चाइना के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है और यहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। यह अपने आप में महत्वपूर्ण है कि कभी चाइना ने इस फ्रंट को खोला नहीं है, लेकिन अब इस फ्रंट को खोलने के क्या मायने हैं? एग्जैक्टली जैसे सिक्योरिटी एक्सपर्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि कहीं ना कहीं चाइना जो कोविड मिसमैनेजमेंट है, जो इकोनॉमिक डिसबैलेंस है, चाइना अपनी आंतरिक चुनौतियों से बेहद बुरी तरह से घिरा हुआ है और वहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए पूरा घटनाक्रम करा जा रहा है क्या? और पॉइंट नंबर टू, इसमें सैनिक भी घायल हुए हैं, हमारी तरफ के कितने हैं, पीएलए के कितने हैं, पीएलए यानी जो चाइना की फोर्स है उसके कितने हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र कह रहे हैं कि भारत ने कड़ा रुख दिखाया। जैसा सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि अब वो युग नहीं है भारत के अंदर जिसके अंदर आपको चाइना को, अगर चाइना कोई एक्सेलरेशन करने का प्रयास भी करता है, एग्रेसिव स्टैंड दिखाता भी है, तो भारत पीछे हो जाएगा। भारत डबल एग्रेसिव होके दिखाता है। गलवान में हमने देखा जहां पर हमारे कई सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान भी दे दिया, लेकिन खबर बाद में आई कि चाइना के पता नहीं 35 मरे सैनिक या 40 मरे, उनके यहां पर बहुत रोना इस बात को लेकर हुआ और उनकी जो सैनिक के परिवार थे उन्होंने शिकायत भी करी कि आपने तो हमें एग्जैक्टली वो सम्मान भी नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। वो वहां पर उस बात का एक विरोध भी हुआ और अमेरिकी जो अमेरिकी एजेंसीज हैं उनका भी ये दावा था कि भारत ने काफी सारे जब गलवान में हुआ भारत ने काफी सारे चाइना के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और उनकी संख्या 40 के लगभग हो सकती है और कई एजेंसी ने तो बोला ये अप टू 50 भी गया हो सकता है, एग्जैक्ट नंबर कोई नहीं बोल पाया, लेकिन 35 के नीचे किसी ने नहीं माना। मेरे साथ आरएसएन सिंह जुड़ रहे हैं इस समय, हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आरएसएन सिंह, तवांग में जो हुआ है घटनाक्रम, इस समय की जो ब्रेकिंग स्टोरी है 9 दिसंबर की रात को, उसे आप कैसे देखते हैं आरएसएन? देखिए, अगर कोई ये सोच रहा हो कि एक बहुत बड़ा, अगर इसका कोई बहुत बड़ा स्वरूप होगा तो वो नहीं होने वाला, ये कैंपेनिंग सीजन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आपको मालूम है लद्दाख में बिल्कुल हमारे लोग डटे हुए हैं और आपको मालूम है कि भारी मात्रा में हमारी सेनाएं वहां पे हैं लद्दाख में, ठीक है, आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट है और हम दुनिया की कोई ऐसी साजो सामान नहीं है जो कि वहां पे नहीं डिप्लॉयड है, तो इसलिए एक दूसरे फ्रंट पे थोड़ी, मतलब जाहिर सी बात है 3440 किलोमीटर लंबा ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और अगर आप देखें तो ईस्टर्न थिएटर की हम बात करें, ईस्टर्न थिएटर में इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने तो वहां पे ईस्टर्न थिएटर में मैकमोहन लाइन की हमने पेशकश की थी जो कि वो हमेशा नकारते रहे, लेकिन वो आपको 3440 किलोमीटर पे आपको हमेशा एक्टिवेट करके आपको रखेंगे। ईस्टर्न सेक्टर पर ही नहीं, जो सेंट्रल सेक्टर यानी कि जो यूपी में जो टिबेट के साथ बॉर्डर है वहां भी कुछ हरकतें होती रही हैं इधर, जो कि बहुत ही डोरमेंट सेक्टर। लेकिन 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 जैसे आरएसएन हम सब जानते हैं ये सर्दियों का मौसम है, तवांग एक ठंडा इलाका है, वहां पर अभी कोई भी अगर कोई भी और प्रयास होता है तो उसके बहुत बड़े साइड इफेक्ट है, ये चाइना भी समझता है और चाइना उसको भली भांति भी जानता है। क्या आपको लगता है कि चाइना ने कहीं ना कहीं वाटर टेस्ट करने का प्रयास किया है
ऐसा कई एक्सपर्ट्स का मानना है? नहीं, एक तो बिल्कुल बिल्कुल आप देखिए, मैं आपको लोग इसको नहीं समझते हैं इस बात को। मैंने हमेशा कहा है कि जो हमारा इंडो तिब्बत बॉर्डर, मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने कभी इंडो चाइना बॉर्डर मत कही है, इंडो तिब्बत बॉर्डर जो है वो लिंक्ड है आपके इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी से। जब इधर कुछ होता है हरकत तो आपको डिफेंसिव में करने के लिए वो उधर कुछ कर देते हैं, ठीक है ना। ये पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अब आप इस बात से भी नहीं, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल जो टाइमिंग है ना, वो चीन की हरकतें हमारे यहाँ के पॉलिटिक्स से बहुत जुड़ी हुई है इसको। और अब आप जो भी कह लें, आप कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि क्या हमारे देश में के अंदर बिके हुए लोग हैं? जी हाँ, बिके हुए लोग हैं। हमने इन बिके हुए लोगों को मैंने देखा था कि किस तरीके से मैं आपका रुक करता हूँ, बड़ी खबर आ रही है। 9 दिसंबर को तो झड़प हुई थी, उसमें कुछ सैनिक घायल भी हुए हैं, इस तरह की खबर आ रही है। दोनों तरफ से कई सैनिक घायल हुए हैं इस समय की ये जानकारी आ रही है। मैं आपको बता दूं, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है जो तवांग में हुआ है। भारत और चीन सैनिकों के बीच में झड़प की खबर है, अरुणाचल के तवांग में ये झड़प की लगातार खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ एसपी सिन्हा जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल। सीधा मैं उनका रुख कर सकता हूं। एसपी सिन्हा, मैं आपके पास आता हूं। 9 दिसंबर की रात को जो ये झड़प हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं, पॉइंट नंबर वन? और पॉइंट नंबर टू, एक विंटर सीजन चल रहा है, बेहद ठंडा इलाका है तवांग। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में, मैं खुद ईटानगर में करीब 52 डेज नौकरी किया है, तो जिस तरह से मोदी जी ने एक फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश में एयरपोर्ट ईटानगर से करीब 25 किलोमीटर के दूर पे वो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट एक्टिव फंक्शनल किया है, वो चीन के लिए चिंता का विषय है। दूसरी बात जो है कि जिस तरह से मोदी जी को सफलता मिली है, गुजरात में सफलता मिली है, वो चीन के लिए चिंता का विषय है। तीसरा चीज है, चीन की अंदरूनी हालत जो है वो काफी खराब है, और चीन डाइवर्सनरी टैक्टिक्स करके ये शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहता है कि लोगों का ध्यान यहाँ बांटना चाहता है, और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में उसने ये हरकत किया है। चौथी बात है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर जितने जयचंद बैठे हैं उनके तरफ से भी इशारा हुआ है कि कुछ ना कुछ उपद्रव करो ताकि हम सरकार को अटैक कर सकते हैं, उसको बैड लाइट में दिखा सकते हैं। मेरा अनुमान है कि 2024 तक इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा ताकि मोदी जी के छवि में डेंट लगे, उसमें प्रहार हो और उनको कमजोर दिखाया जाए, और ये एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा 2024 तक, मेरा विश्वास है। और चीन की जो आंतरिक व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, वो भी डमाडोल है। और जो षड्यंत्र कुछ दिन पहले जब चीन के मीटिंग में बाहर गए थे प्रेसिडेंट जीपिंग, और बाल बाल बच गए कू होने से, तो वो भी एक कारण है कि वो अपने लोकल पॉपुलेशन को एड्रेस कर रहे हैं, और इस तरह का वो एक्सपेरिमेंट बार बार करते रहेंगे, ये मेरी अपनी सोच है। जी जी, क्या आपको लगता है कि ये जिस तरह से लगातार ये स्टोरी ब्रेक हो रही है, ये पूरा घटनाक्रम क्या बढ़ भी सकता है आगे? जैसे गलवान के बाद हमने देखा चाइना ने सॉफ्ट होते हुए समय लगाया, भारत ने भी सॉफ्ट होते हुए काफी समय लगाया। क्या आपको लगता है ये घटनाक्रम बढ़ सकता है, या फिर आपको लगता है कि अभी इसमें हम एक सॉफ्ट स्टैंड देखेंगे, क्योंकि गलवान में भारत ने बहुत हार्ड स्टैंड लिया था? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि चाइनीज सोल्जर टफ सोल्जर्स होते हैं और वो हिंदुस्तान ट्रुप्स के सामने ठहर नहीं सकते, ये मेरा विश्वास है। और जिस तरह से ऑपरेशनल फ्रीडम मौजूदा सरकार ने, ये एक फैक्ट भी है कि चाइना ने हाल फिलहाल के अंदर, बीते गत 50 सालों के अंदर कोई लड़ाई लड़ी नहीं है भारत ने, जबकि कई लड़ाइयां लड़ी हैं, तो कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी है चाइना के सैनिकों ने। दूसरी बात है कि चीन के सोल्जर्स 2 से 2.5 साल के लिए नौकरी करने आते हैं सेना में और वापस घर चले जाते हैं, तो 2 साल 2.5 साल में एक सिविलियन फौजी नहीं बन सकता, फौजी बनने के लिए 10-12 साल 14 साल चाहिए। तो ये चीन जानता है कि यदि उसने हार्ड स्टैंड लिया तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, तो उतना ही शैडो बॉक्सिंग करेगा जिसमें वो लाइमलाइट में रहे और यहाँ के जयचंदों का मकसद साध्य करता रहे, मेरा अपना अनुमान है, क्योंकि तो उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकता। जो आप गलवान की बात कर रहे हैं, गलवान में चाइना के 57 जो हेलीकॉप्टर 57 ट्रिप्स लगाया था, तो एक हेलीकॉप्टर में जो 3 आदमी कैजुअलिटी एक्सचेंज किया है, तो 57 * 3 कीजिए,
लोग 35-40 की बात कर रहे हैं, मैं तो 100 से ऊपर की बात कर रहा हूँ, ये फैक्ट है। लेकिन कोई न चीन मानता है न बाकी मीडिया वाले दिखाते हैं कि ये सच है। लेकिन 57 ट्रिप्स क्रू एंड फ्लो ट्रिप्स लगा था हेलीकॉप्टर का। लेकिन अब डिसएंगेजमेंट की भी खबर आई हुई है, लगातार हम उस डिसएंगेजमेंट की खबर को भी दिखा रहे हैं। मैं आपको व्यूअर्स को बता दूं, डिसएंगेजमेंट को आप कैसे लेते हैं? क्योंकि अगर डिसएंगेजमेंट की खबर आई है, फ्लैग मीटिंग हुई है, इसके क्या मायने हैं एज ए प्योर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, योर व्यू? जरूरत है कि चीन की सोच क्या है। चीन का की सोच है न्यूज क्रिएट करना, तो ये इंसिडेंट करके उसने न्यूज क्रिएट कर दिया, अपने जो जयचंद वहां हिंदुस्तान के अंदर को खुश कर दिया, मोदी जी को थोड़ा सा बेड लाइट में दिखाने की जो उसकी सोच है उसमें वो प्रयत्न कर रहा है। तो आपको इस दृष्टिकोण से देखना, उसका लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था, उसको वो हासिल कर रहा है। यदि एस्केलेट वो कर नहीं सकता, उसका हिम्मत नहीं है, वो जानता है कि बहुत कड़ा प्रहार हिंदुस्तान की सेना करेगी। जिस तरह से हमने स्ट्रेटेजिक रोड की डेवलपमेंट किया है, इंफ्रा का डेवलपमेंट किया है, अभी एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया है, जिस तरह से हम मुकेश आरएसएन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश नायक भी हैं, संबित पात्रा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा बाद में, लेकिन निश्चित तौर पर ये इस समय की बड़ी खबर है। संदीप बोल, ताजा अपडेट क्या आ रहा है? क्योंकि जो सोर्सेज के हवाले से खबर है उसमें है कि माइनर इंजरीज हुई है दोनों तरफ, क्या कोई जान भी गई है? अभी तक कोई इसकी जानकारी मिली है? नहीं, देखिए जिस तरीके की जानकारी हमें मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक जो इंजरीज है वो माइनर है, यानी कि बहुत ज्यादा यानी फेटल कैजुअलिटी नहीं है अभी तक जो जानकारी है, माइनर इंजरी है और उनका इलाज करने के लिए बताया जा रहा है कि उनको गुवाहाटी भी शिफ्ट किया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे तापमान लगातार कम होता जा रहा है, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे में अगर इस तरीके की चीजें वहां होती है जाहिर सी बात है कि तनाव अब लगातार वहां बढ़ रहा है। हालांकि ये सोर्स जरूर बता रहे हैं कि फिलहाल जो है जो उनके जो आपस के जो मैकेनिज्म है दोनों देशों के बीच में जो मैकेनिज्म बना हुआ है कि कभी भी इस तरीके का कोई विवाद होता है या परसेप्शन लाइन के आसपास इस तरीके का कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है या फेस ऑफ की सिचुएशन होती है उसके बाद किस तरीके से कदम उठाने हैं। जाहिर सी बात है कि उम्मीद नहीं थी, लग ये रहा था कि जिस तरीके से ईस्टर्न सेक्टर में बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे हो चुकी थी, फेस ऑफ खत्म हो गया था, डिसएंगेजमेंट हो गया था, लेकिन एकदम से ईस्टर्न सेक्टर में इस तरीके की चीजें होंगी ये बहुत अभी कह सकते हैं कि ये चौंकाने वाली बात जरूर है। और हालत यहां तक पहुंच गई है वहां पे कि वहां पे झड़प तक हुई है, चोटें तक आई हैं, बताया जा रहा है कि चीन के सैनिकों को ज्यादा चोटें आई हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन भारतीय सैनिकों ने जमकर जो है चीनी सैनिकों को वहां पे रोका और जिस तरीके से हालात बने हैं उसमें दोनों देशों की सेनाओं के जवानों को चोटें आई हैं, भारतीय सैनिकों को भी चोटें लगी हैं और चीन के सैनिकों को भी चोटें लगी हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि चीन के सैनिक ज्यादा घायल हुए हैं, तो इतना तो साफ है कि अगर भारतीय सेना, क्योंकि गलवान और ये पूरा इंसिडेंट हुआ, एपिसोड हुआ, तो उसके बाद भारत सरकार की ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि सोर्सेज के बारे में खबर आ रही है कि चाइना के सैनिक ज्यादा घायल हुए हैं, उसके बाद डिसएंगेजमेंट हुआ है। आरएसएन सिंह इस समय हमारे संवाददाता भाई बता रहे हैं कि सोर्सेज के बारे से खबर आ रही है चाइना के सैनिक, इस समय की बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है हमारे पास, चाइना के सैनिक ज्यादा घायल हुए हैं उसके बाद जिसके डिसएंगेजमेंट हुआ है। आरएसएन, नहीं ये तो देखा गया है कि इसके बावजूद कि फायरिंग पे बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन है, फिर भी जब भी शारीरिक रूप से मुठभेड़ होता है तो हमारे लोग तो हावी हो जाते हैं बिल्कुल। अब वो दूसरी बात है कि कई चैनल्स तो पहले शुरुआत ही करते हैं कि हमारे सैनिक घायल हुए हैं, जैसे उनको घायल सैनिकों ने उनसे बात की हो, और उनसे तो कभी मतलब कुछ पता भी लगा लेना चाहिए कि चाइनीज कितने घायल हुए हैं। लेकिन ये जो हमारा जो अपने आप को रनिंग डाउन का जो रवैया है ना, ये ना सेना के लिए अच्छा है, ना ही ये देश का मनोबल ऊंचा करता है। गलवान में आपको मालूम है ना कितने 100 से ज्यादा ग्रेव्स देखे गए, अभी भी वो फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं। लेकिन ये बात कहते हुए बहुत शर्म आती है अमेरिका गलवान में तो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट थी, उनका कहना था कि अबव 45 अराउंड 50 के करीब उनका जो आंकलन है 50 से ज्यादा सैनिकों को चाइना के मौत के घाट उतारा गया है वहां पर। नहीं मैं वही कह रहा था कि अभी जो चाइना का जो पार्टी कांग्रेस हुआ था उसमें उस कर्नल को बड़ा हीरो का दर्जा दिया गया था, तो अगर उनके लिए कोई बहुत बड़ी युद्ध नहीं होती
तो क्लैश नहीं होता, तो ऐसे मतलब इतना बड़ा उसको ये हीरोज वेलकम तो नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारे लिए तो एक क्लैश था, ये एक क्लैश था, ठीक था। क्लैश में हम जो हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं उसके अंतर्गत भी हमारे लोगों ने, आपने खुद कर, आप कह रहे हैं कि 40 से 45 लोग मारे गए थे, लेकिन लेकिन ये जो हमारी मानसिकता है कुछ लोगों की कि शुरुआत ही करते हैं वो कि हमारे लोग घायल हुए हैं। आप, आपको क्या मतलब मुठभेड़ में कोई किसी दो व्यक्ति में अगर मुठभेड़ हो जाए और दो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स में मुठभेड़ हो तो एक को कुछ नहीं होता है? मैं ये इस मान लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि दोनों तरफ की बात, आपकी घायल हुए बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप तो बहुत देशभक्त आदमी है आपके, मैं बाकी लोगों से, मैं जाहिर सी बात है कि मैं और भी चैनल्स पे फोनों दे रहा हूँ, तो मतलब ये मुझे, मैंने सेना में उस इन सब इलाकों में अपनी सेवाएं दी हैं, इसलिए ये मुझे जानकर, हाँ इसलिए मुझे ये सुन के थोड़ा अच्छा नहीं लगता है जी। और जहां तक कि मैं आपको एक फिर से मैं आपको दोहराता हूं कि एक तो है स्ट्रेटेजिक रीजंस हो, टैक्टिकल रीजंस हो, आपको ये भी बोले, हाँ, लेकिन आप हिंदुस्तान के पॉलिटिकल क्लाइमेट को ऐसे चीजों से डिसोसिएट करके मत देखिए। बड़ी खबर है सोर्सेस के हवाले से, हम लगातार आपको बता रहे हैं, अरुणाचल के तवांग में झड़प की खबर है, लेकिन ये बड़ी झड़प नहीं है जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं, ये बड़ी झड़प नहीं है, एक स्कफल है, लेकिन घायल हुए हैं चाइना के सैनिक, ये भी हमारे पास जानकारी है इस समय की, ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। और इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, हम आपको बता दें कोई बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट इंजरीज नहीं हुई है भारतीय सैनिकों को, जिस तरह की हमारे पास जानकारी इस समय आ रही है, और चाइना के सैनिक घायल हुए हैं, और साथ ही साथ अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, फ्लैग मीटिंग हो चुकी है, डिसएंगेजमेंट हो चुका है, यानी वी कैन से दैट सिचुएशन इज काम नाउ, डिसएंगेजमेंट हो चुका है, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। इस खबर पर लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे, ये खबर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, फिलहाल इतना ही, लेकिन रुक करते हैं, अब देश नहीं झुकने देंगे का अमन।